हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आराधना कंप्यूटर में। आज मैं आप लोगों को सीपीयू का कार्य बताऊंगा, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। और कंप्यूटर सिर्फ तीन ही वर्क करता है, तीन ही तरह के कार्य करता है, जो कि आप सारे काम उसी के माध्यम से करते हैं। तो चलिए, अपने चैप्टर से बढ़ने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीपीयू के कार्य सिर्फ तीन ही कार्य होता है, हमने आपको बताया वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आप देख लेंगे इनपुट होता है, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है आउटपुट। तीन चीजें करता है कंप्यूटर, तीन वर्क करता है। तो इससे पहले हम थोड़ा एग्जांपल में समझ लेते हैं कौन किस पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखते हैं इनपुट कौन सा है, इनपुट क्या है, समझते हैं पहले इनपुट क्या है। इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर में जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, जो कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, जो हमारे द्वारा कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कीबोर्ड्स में हम टेक्स्ट को इनपुट करते हैं, हम माउस के माध्यम से किसी भी आदेश या निर्देश को देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि कौन किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं मॉनिटर, ये हमारा होता है, ये मॉनिटर हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे बगल में रखा जाता है, वो होता है सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। अब यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर पावर स्विच होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे रीसेट बटन होता है, और यहाँ पर आपके यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाए, यूएसबी ड्राइव मिल जाते हैं दो तरह के, और यहाँ पर एक माइक का होता है, और एक स्पीकर का आपको जैक स्लॉट मिल जाता है, जो कि सीपीयू के फ्रंट पैनल में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम देख लेते हैं। तो तीसरा डिवाइस हमारा जो होता है, वो हमारा हो जाता है कीबोर्ड्स। आप लोग समझ जाएंगे, ये हमारा कीबोर्ड्स होता है। एक मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। चौथा आप देख लेंगे, चौथा हमारा हो जाता है, वो होता है माउस होता है। क्या होता है, माउस होता है, सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट बटन होता है, ये राइट बटन, और दूसरा ये हमारा हो जाता है लेफ्ट बटन, तीसरा यहाँ पर हमारा एक स्क्रॉल बटन होता है, जिसको हम व्हील भी कहते हैं, तो स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन। ये हमारा क्या हो जाता है, मॉनिटर। ये हमारा क्या हो जाता है, कीबोर्ड्स। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया होगा कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, माउस कितने प्रकार के हो, वो सारी चीजें हम आपको पिछली क्लास में, हमारे पीछे पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं इनपुट, कौन कौन से डिवाइस से हम इनपुट देते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कंप्यूटर में किसी भी डाटा को भेजने के लिए हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो इनपुट डिवाइस है, जैसे हमें मान लीजिए एक एग्जांपल ग्रुप में मॉनिटर पर हमें दिखाना है क्या, राम दिखाना है, क्या राम लिखना है, ठीक है ना। तो राम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम उस बटन को दबाएंगे, तब जाकर के हमारे मॉनिटर पर प्रदर्शित करेगा। तो मैं ये समझूंगा कि हमारा कीबोर्ड सही तरीके से काम कर रहा है, और इसके माध्यम से इनपुट भेजा जा रहा है, ठीक है। दूसरा चीज ये समझ गया, अब ये इनपुट डिवाइस का है। दूसरा चीज यहाँ के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से हमें परिणाम मिल जाता है, मतलब रिजल्ट मिल जाता है। तो हम रिजल्ट का मतलब भी समझ जाएंगे, हमें आउटपुट भी मिल रहा है। तो आउटपुट का मतलब होता है कि दिए गए प्रोग्राम का, दिए गए डाटा का, जो हमें प्रोसेसिंग करके, जो हमें हल के रूप में, जो हमें रिजल्ट के रूप में, जो हमें परिणाम के रूप में, जो हमें परिणाम मिलता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं, तो हम अगर मान लीजिए इसके बीच में इसके किए, तो इसके बीच में कौन पहुंचा है, इसके बीच में जो मध्यावस्था होता है, वो हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस का काम कौन करता है, ये सीपीयू करता है, इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है।
ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, क्योंकि कंप्यूटर में जाने से पहले हम यहाँ पर कीबोर्ड से कोई मॉनिटर टाइप करते हैं तो ये सीपीयू जाता है, तब सीपीयू से फिर मॉनिटर की तरफ आता है। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि कीबोर्ड से कोई मॉनिटर आपने टाइप किया, फिर ये आपने इनपुट किया और सीपीयू में जब गया तो ये प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद जब मॉनिटर से प्रदर्शित किया गया वो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आउटपुट हो जाता है। बस इतना ही, आगे क्लास में मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और जो भी अगर सवाल आपको पूछना हो वो हमारे कमेंट करें, हम आपका जरूर से जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।